नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। पुराणिक कथाओं के अनुसार कन्नपा न्यानार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, ये तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताजा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, ये शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन हर दिन इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था, इसीलिए वो केवल 15 दिनों में एक बार ही आता और मंदिर की साफ सफाई कर शिवलिंग की पूजा कर भोग लगाता और चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देख वो भौचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, ये क्या, शिवलिंग पे मांस? जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन वो शिकारी वापस मांस अर्पण करने के लिए आया। ऐसे ही वो हर रोज मंदिर आता है और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा। उसने सोचा, ये शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं? मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हाँ, एक उपाय है, पास में एक झरना है, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता, उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। अब उससे और रहा नहीं गया, उसने रोते हुए शिवजी से पूछा, हे शिव शंभू, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है, मैं उसी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है, वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है कि वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने देखा कि पहले का रखा मांस वहीं पड़ा है।
उसने सोचा कि हर बार की तरह आज भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे ये क्या, शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट लग गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण ये सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीस कर शिवलिंग की दाहिने आंख में लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से निकलने लगा। ये देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है? धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, मगर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया। एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगानी है वहाँ पर पैर टिका देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पैर टिका दिया। जैसे उसने अपनी बची हुई आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देखो, ये मेरा प्रिय भक्त है कनप्पा नायनार। कनप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला, नायनार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया हूँ, आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है भगवान। भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उनके आशीर्वाद से कनप्पा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से उस शिकारी को कनप्पा नायनार के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।